गाइस, आई एम श्वेता एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू गेन वेट। तो अगर आप अंडर वेट हो, लीन बॉडी स्ट्रक्चर हो और वेट गेन करना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो आप ही के लिए है। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों को वेट गेन करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अंडर वेट हो और आपका वेट गेन नहीं हो पा रहा है तो इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि लो डाइजेशन सिस्टम। इससे क्या होता है कि आप जो खाना खा रहे हो वो प्रॉपरली आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जरूरी होता है ना, वो आपको नहीं मिल पाता है एंड दैट्स वाई यू कांट गेन योर वेट। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, प्लीज ट्राई जिंजर टी या फिर ग्रीन टी, जो डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सेकेंड कॉज हो सकता है हाई मेटाबॉलिज्म। ये जो कारण है ना, ये बहुत ज्यादा स्किनी पीपल में देखा गया है कि उनके बॉडी का जो लीन स्ट्रक्चर है वो इसी हाई मेटाबॉलिज्म से आता है, क्योंकि वो लोग जितना कैलोरी खाते हैं उससे दुगना अमाउंट ऑफ कैलोरी बर्न हो जाता है उनकी बॉडी से। सो ऑब्वियसली वो लोग लीन ही रह जाते हैं, वेट गेन नहीं हो पाता है। नाउ दोस हु हैव हाई मेटाबॉलिज्म, मैं उनके लिए सजेस्ट करूंगी पहले आप गूगल पे जाके अपने हाइट एंड वेट के रेशियोज को देके पहले अपने BMR कैलकुलेट कर लो। फिर BMR जितना आपका आएगा उस BMR से आपको 500 to 1000 कैलोरी ज्यादा ही इंटेक करनी है। इससे क्या होगा, आपके बॉडी को जितना ज्यादा हाई मेटाबॉलिज्म के थ्रू कैलोरी बर्न करना होगा वो कर तो लेगा, लेकिन उसी के साथ जो एक्स्ट्रा कैलोरी आपने लिया वो स्टोर हो जाएगा और उसी से आपका वेट गेन हो जाएगा। बट मुझे पता है आप में से 90% पीपल इस तरह से कैलोरी काउंट करके नहीं खाने वाले हो, क्योंकि इसमें बहुत तामझाम होता है, तो मुझे भी ऐसा पसंद नहीं होता है। पर कोशिश करो कि जितना भी फूड आप इंटेक कर रहे हो उससे ज़्यादा ही आप कैलोरी इंटेक करो। थर्ड कॉज मे बी लो एपेटाइट। अब देखो, लो एपेटाइट मतलब क्या है कि मतलब भूख ना लगना। तो अगर किसी को भूख ही ना लगे तो वो खाएगा क्या, और अगर वो नहीं खाएगा तो उसका वेट गेन होगा कैसे? सो दिस इज अनदर वेरी कॉमन प्रॉब्लम फॉर अंडरवेट पीपल। तो इस प्रॉब्लम की तो मेरे हिसाब से एक ही सोल्यूशन है, वो है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर लो एपेटाइट गाइस एंड ऑब्वियसली टू गेन वेट, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपका कैलोरी बर्न होता है और जब आपका कैलोरी बर्न होगा तो आपको भूख लगेगी, आप दोबारा से खाओगे, फिर नेक्स्ट डे आप अगेन एक्सरसाइज करोगे, वो कैलोरी अगेन बर्न होगी, फिर आपको दोबारा भूख लगेगा। ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपकी जो एपेटाइट है वो बढ़ जाए। नाउ फोर्थ पॉइंट हैज टू बी मैल नरिशमेंट। इससे क्या होता है कि मैंने जो ये पिछले 3 कॉजेज बोले हैं, लो एपेटाइट, लो डाइजेशन एंड हाई मेटाबॉलिज्म, इससे क्या होता है हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई यू गाइस बिकम अ मैल नरिश्ड पीपल, और जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो पा रहा है। एंड समटाइम्स मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग मोटे होने के डर से खाना नहीं खाते हैं, तो वो लोग वैसे ही खुद को मैलनरिश्ड कर देते हैं। या फिर मैलनरिश्ड एक और चीज से भी आप कर सकते हो खुद को, वो है बहुत ज्यादा जंक फूड खाके। यस, बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है कि हम तो मोटे होते नहीं है तो हम बहुत सारा जंक फूड एक साथ खा लेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग मोटे हो जाएंगे। नो गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड एक साथ खाने लगोगे तो क्या होगा कि आपके बॉडी में फूड तो जाएगा, उससे आपका वेट गेन भी होगा, पर वो जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा वो तो आपको जंक फूड से नहीं मिलने वाला है आपकी बॉडी को। ऊपर से क्या होगा, आपके बॉडी में वो जो जंक फूड से फैट आता है ना, वो फैट स्किनी फैट होके जम जाएगा। अभी स्किनी फैट क्या है, मतलब बाहर से दिखने में लीन बॉडी स्ट्रक्चर ही रहोगे, दुबले पतले ही रहोगे, बस आपका टमी सेक्शन बढ़ जाएगा, मतलब आपका बेली फैट इंक्रीज कर लेगा। सो दैट्स व्हाई ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन वेट गेन प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है जो लोग वेट गेन करते हैं वेट लॉस करते हैं दोनों के लिए। नाउ देयर इज अनदर कॉज, दैट इज लीन बॉडी स्ट्रक्चर ड्यू टू जीन। यस, फ्यू पीपल हैव देयर जीन के वो लोग कभी मोटे नहीं होंगे, तो उनके लिए मैं क्या बोलूंगी कि अगर आपके जीन में ही है लीन बॉडी स्ट्रक्चर, सो देन जस्ट एक्सेप्ट योर बॉडी एंड लव योर सेल्फ। हैविंग अ लीन बॉडी स्ट्रक्चर इट्स रियली नॉट दैट बैड, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके उस बॉडी स्ट्रक्चर में आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स ना आए। वैसे मैं लीन बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बोल रही हूँ, नॉट लाइक स्केलेटन बॉडी स्ट्रक्चर। अगर आप बहुत ज़्यादा अंडरवेट है तो प्लीज़ आप वेट गेन के ऊपर ध्यान दें, और अगर हो सके तो एक डॉक्टर से भी आप खुद को चेक करवा लें। ओके, नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन, लेट मी क्लियर वन थिंग। आपको अगर वेट गेन करना है तो इसका एक बेसिक फंडामेंटल रूल है, वो है मसल फैट गेन करना। आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप लोग जो भी चीज़ खाओगे, जो भी चीज़ एक्सरसाइज करोगे, उन सब में आपको मसल फैट बिल्ड करना है और किसी काइंड ऑफ फैट आपको बिल्ड नहीं करना है। नाउ लिसन, वेट गेन एंड वेट लॉस, इन दोनों ही चीज़ों में जो बेसिक फंडामेंटल्स है ना, वो बिल्कुल इक्वल है। हेल्दी एंड क्लीन डाइट,
अ प्रॉपर एक्सरसाइज एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल. यस, दिस थ्री आर द मेजर एंड प्रोमिनेंट फंडामेंटल्स ऑफ दिस वेट लॉस एंड वेट गेन. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट इज अ हेल्दी एंड क्लीन ईटिंग एंड अ बैलेंस्ड डाइट. सो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है डू नॉट हैव जंक फूड्स. ओके, आप ऐसा मत सोचो कि आप सिर्फ जंक फूड खा के या फिर ओवर ईटिंग करके आप खुद को वेट बढ़ा लोगे. नो, दैट्स अ वेरी रॉन्ग प्रोसेस. ज्यादा जंक फूड, ज्यादा स्वीटेड कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं खाना है. सो बैन दिस. नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ बैलेंस्ड डाइट. ये नहीं है कि हम विगोरसली कुछ भी खाएं और हमारा वेट गेन हो जाएगा. नो, ऐसा नहीं होता. वेट लॉस करने के लिए हम लोगों को जैसे एक बैलेंस डाइट की जरूरत है, वैसे वेट गेन करने के लिए भी हम लोगों को एक बैलेंस डाइट की जरूरत है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए, अमीनो एसिड होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, गुड फैट्स होना चाहिए, सारी चीजें एक बैलेंसली खाना चाहिए आपको. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ लिस्ट ऑफ कंप्लीट फूड आइटम्स. और मुझे नहीं पता आप ये कैसे अपने डाइट में इंक्लूड करोगे या कैसे खाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा. आप वेजिटेबल कड़ी बनाकर खा सकते हो, आप वेजिटेबल सॉटी करके खा सकते हो, मतलब इन सारे ऑप्शंस को आपको डेली बेसिस में आपके फूड आइटम में इंक्लूड करना है. सो ऑन माय सेकंड पॉइंट, आई एम गोइंग टू गिव यू अ मास गेनिश स्मूदी रेसिपी, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है टू गेन योर वेट. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आपको ऐसे खाना है, आपको ऐसे एक्सरसाइज करना है कि आपको जिसमें मसल फैट बिल्ड हो. तो मसल फैट गेन करने के लिए ये जो स्मूदी रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ, दिस इज अ वेरी 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 हेल्पफुल. आपको हर रोज पीना है. वैसे तो ये जो स्मूदी मैंने आपको बताई है, अगर ये दिन में दो बार लिया जाए, एक ब्रेकफास्ट में और एक लंच के बाद या फिर इवनिंग स्नैक में, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है और बहुत जल्दी वेट गेन हो जाता है. बट मैं बिगिनर्स के लिए सजेस्ट करूंगी कि इस स्मूदी को दिन में एक ही बार लो ब्रेकफास्ट में और 1 वीक तक. उसके बाद जब ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगेगा, फिर इसको आप इंक्रीज करके 2 सर्विंग्स कर दो, मतलब दिन में 2 बार आप ले सकते हो. बिकॉज ये जो स्मूदी है ना, इट्स रिच इन प्रोटीन एंड कैलोरी एंड फाइबर. तो क्या होता है कि इसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. और बिगिनर्स के लिए क्या होता है, वो लोग पहले तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसको डाइजेस्ट होने में उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पहले. इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी बिगिनर्स पहले इसको 1 वीक या फिर 10 दिनों तक एक ही सर्विंग्स में ले, लाइक इन द ब्रेकफास्ट. उसके बाद जब आपको लगेगा कि धीरे धीरे ये डाइजेस्ट हो रहा है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, फिर आप इसको 2 सर्विंग्स में लो. एक और चीज है जो आप लोग कर सकते हो, वो है ईटिंग आफ्टर एवरी 2 to 3 hours. Yes, this is very helpful those who have high metabolism rate and low appetite, and also उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि वो एक बार में बहुत ज्यादा नहीं खा पाते. तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको हर 2 घंटे में, 2 या 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके फूड इंटेक करना होता है, जिसमें क्या होता है सही अमाउंट ऑफ फूड आपके बॉडी में जाता भी है, जो न्यूट्रिशन आपको मिलना होता है वो मिल भी जाता है, और आपका एपेटाइट भी सही रहता है. बट देयर इज अ कॉशन इन दिस प्रोसेस, लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट. आई वुड सजेस्ट, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला या फिर किसी ने भी आपको सजेस्ट किया कि हर 2-3 घंटे में अगर आप खाओगे तो मोटे हो जाओगे, तो आपने जबरदस्ती खाने लगे, ऐसा मत करो. क्या होता है कि जब हम कोई वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में हमें 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन जब हम कोई नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में हमें तकरीबन 4 to 5 hours लग जाते हैं. तो क्या होता है कि सोचो कि आपने पहले एक बार मील ले लिया, उसके बाद वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर आप जबरदस्ती 2 घंटे बाद एक और मील ले लिया, वो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर आप थर्ड टाइम एक और मील ले लिया. सो ऐसे करके खाने से क्या होगा, आप ओवर ईटिंग कर जाओगे. सो इस ओवर ईटिंग की वजह से आपको क्या होगा, एक तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, और दूसरी जो होगी कि इस ओवर ईटिंग की वजह से आपको आप जो कैलोरी और प्रोटीन इंटेक करोगे वो आपकी बॉडी में एज अ स्किनी फैट स्टोर हो जाएगा, नॉट एज अ मसल फैट. उसमें क्या होगा कि स्किनी फैट में क्या होता है कि आप दिखने में तो लीन स्ट्रक्चर के ही रहोगे, लेकिन आपका जो टमी सेक्शन है, बेली फैट है, वो बाहर आ जाएगा. So don't do that. In this process, there is another caution for you guys: do not eat
टू मच प्रोटीन, ओके, जितनी आपको बॉडी में जितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उतने ही लो, उससे ज्यादा प्रोटीन आप इंटेक मत करो। इन दिस प्रोसेस क्या होता है कि आप पहले एक प्रोटीन वाला फूड आप इंटेक करते हो, उसके बाद 2 घंटे बाद आप फिर से एक हाई प्रोटीन वाला फूड इंटेक करते हो, अगर आप फिर से एक बार और हाई प्रोटीन वाला फूड इंटेक करते हो, इससे क्या होता है कि जो प्रोटीन की जो मात्रा है आपके बॉडी में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लगती है। और ज्यादा प्रोटीन आपके बॉडी में आने से क्या होगा, आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो घट जाएगा। और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, ये आपके मसल फैट बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जितना प्रोटीन आपके बॉडी को जरूरी है आप उतना ही इंटेक करो, उससे ज़्यादा प्रोटीन आप इंटेक मत करो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन वेट गेन। नाउ मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोग अगर वेट गेन करना चाहते हो तो आप लोगों को मसल फैट गेन करना है। अब मसल फैट ना ये एक्सरसाइज से ही आ सकता है। एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपके जो मसल फैट सेल्स होते हैं वो एक बार ब्रेक करते हैं, फिर वो दोबारा से बिल्ड होता है, एंड इसी प्रोसेस में आपका जो मसल फैट है वो बढ़ने लगेगा। नाउ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज में आप लोग ज्यादा कार्डियो मत करो, क्योंकि कार्डियो जो होता है वो वेट लॉस के लिए ज्यादा होता है, क्योंकि कार्डियो में बहुत ज्यादा कैलोरी लूज होता है। तो आप लोगों को ऐसे कोई एक्सरसाइज नहीं करना है जहां पे ज्यादा कार्डियो होता है। तो कार्डियो अगर करना है तो आप लोगों वीक में 1 या 2 बार कर सकते हो, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को जो करना है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, इन सारी चीजों को आपको करना है। एंड जो लोग वेट गेन जर्नी में है ना, मैं इनको सजेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो आप लोग जिम में जाके एक्सरसाइज करो, क्योंकि जिम में वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काइंड ऑफ एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। इसमें आपको ट्रेनर भी आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग जिम में जाके एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट ऑफ एक्सरसाइज दे रही हूँ जिनको आपको आपके घर में कंप्लीट करना है। वैसे गाइज मुझे नहीं पता ये सारे एक्सरसाइज के प्रोसेस आपको पता होंगे या नहीं, अगर नहीं पता होंगे तो प्लीज इसको थोड़ा सा गूगल या यूट्यूब में जाके आप लोग सर्च कर लेना, व नेम वाइज वहाँ पे दिखाएगा किस प्रोसेस में इसको करना है। क्योंकि इन वीडियो में अगर मैं यही सारी प्रोसेस आपको दिखाने जाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और एक्सरसाइज करने से ऑब्वियसली जो मैंने पहले ही बोल दिया कि आपकी एपेटाइट भी बढ़ेगी, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ प्लीज़ डू एक्सरसाइज रेगुलरली, ज़्यादा नहीं करना है, 30 to 45 minutes इज मैक्सिमम, दैट्स एनफ। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट इज अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। यस गाइज, सिर्फ यू नो अ बैलेंस डाइट और अच्छी तरह से एक्सरसाइज करके ही आप यू नो वेट गेन कर सकते हो ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ही इरेगुलर हो अपनी स्लीपिंग हैबिट्स में या फिर आपको कोई बैड हैबिट्स है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की, तो वो भी आपके वेट गेन जर्नी में इफेक्ट कर सकता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट यू हैव अ प्रॉपर स्लीप, लाइक 7 to 8 hours ऑफ स्लीप डेली, एंड जस्ट ट्राई टू क्विट एनी बैड हैबिट्स। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो वेट गेन भी करवाती है और वेट लॉस भी करवाती है। एंड वन थिंग आई विल सजेस्ट यू गाइस, प्लीज ट्राई दैट स्मूदी रेसिपी, उसको आप जरूर खाओ हर रोज, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यूज में ऐसे भी देखे हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा लीन थे और सिर्फ वो स्मूदी खा के ही वो लोग यू नो बहुत ज्यादा वेट गेन कर चुके हैं, और उनका वेट गेन जो हुआ है वो हेल्दी वे में वेट गेन हुआ है। अगर आपको रिव्यूज भी देखने हैं तो मैं यहाँ पे टैग कर सकती हूँ, आप देख सकते हो लोगों के रिव्यूज। एंड जस्ट मी गाइज, ये जो स्मूदी है ना, इट्स वेरी डिलिशियस एंड वेरी टेस्टी, क्योंकि मैं हर रोज ये स्मूदी लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मेरे लिए क्या होता है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स अमाउंट होते हैं ना, मेरे लिए वो थोड़े कम होते हैं, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली ज्यादा कैलोरी इंटेक करना नहीं होगा, तो इसलिए वो इंग्रेडिएंट्स अमाउंट मेरे लिए थोड़े कम कम होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को वेट गेन जर्नी में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव इट अ लाइक। बाय बाय।